पिछले कई दशकों से भ्रष्ट सरकारों ने भारत को लाचार बना के रख दिया था, जिससे नेताओं ने अपनी तिजोरियां अरबों रुपए से भर ली, लेकिन सरकारी तिजोरियों को पूरा खाली कर दिया। उस नुकसान का खामियाजा भारत को उठाना पड़ा। हजारों करोड़ की डील करके कांग्रेस विदेशों से हथियार खरीदती रही, वो भी पुराने तकनीक के, जिससे आए दिन लड़ाकू विमान पनडुब्बी के हादसे देखने मिलते थे। आपने कभी सोचा था कि जो भारत दूसरे देशों से हथियार खरीदता था, वो कभी खुद अपने देश में हथियार बना के बेच सकेगा? जी हाँ, मोदी सरकार में केवल 4 सालों में भारत की पहचान फर्श से अर्श तक पहुँच गई है। आज भारत दूसरे देशों के आगे हाथ नहीं फैलाता, बल्कि आज भारत अपने ही देश में हथियार बना रहा है और दूसरे देशों को हथियार बेच रहा है और खाली हो चुके सरकारी खजाने को लबालब भर रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 423 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो 2014 से पहले 279 अरब डॉलर का था। तो वहीं अब भारत में डिफेंस एक्सपो 2018 की दमदार शुरुआत हुई है, जिसमें एक बार फिर पूरी दुनिया के 47 दिग्गज देशों की नामी कंपनियां भारत में आई हैं। चेन्नई में डिफेंस एक्सपो 2018 दुनिया भर से आए रक्षा क्षेत्र के व्यापारी यहां पर जमा हुए हैं। गुरुवार को एक्सपो में पीएम नरेंद्र मोदी ने औपचारिक उद्घाटन किया। 4 दिनों की इस प्रदर्शनी में भारत के रक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र की ताकत दिखाई जाएगी और रक्षा क्षेत्र में निजी उद्योग की बढ़ती भूमिका को भी उजागर किया जाएगा। गुरुवार को एक्सपो का पीएम नरेंद्र मोदी ने औपचारिक उद्घाटन किया। 4 दिनों की इस प्रदर्शनी में भारत के रक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र की ताकत दिखाई जाएगी और रक्षा क्षेत्र में निजी उद्योग की बढ़ती भूमिका को भी उजागर किया जाएगा। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, अफगानिस्तान, स्वीडन, फिनलैंड, इटली, मेडागास्कर, म्यांमार, नेपाल, पुर्तगाल और वियतनाम सहित 47 देश भाग ले रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, डिफेंस एक्सपो के इस 10वें संस्करण में पहली बार रक्षा क्षेत्र में देश की ताकत को दिखाने के लिए अलग से भारत पवेलियन बनाया गया है। इस प्रदर्शनी के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत रक्षा सिस्टम और उपकरणों के निर्यात में एक ब्रांड बनने की ओर अग्रसर है। खास बात यह है कि प्रदर्शनी में रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे उपकरण बनाने में भारत की निजी क्षेत्र की बढ़ती ताकत को दर्शाने की कोशिश की गई है। डिफेंस एक्सपो 2018 में 517 भारतीय और 154 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। प्रदर्शनी में हिस्सा ले रही भारतीय कंपनियों में टाटा, L&T, भारतीय फोर्स, महिंद्रा, MKU, DRDO, HAL, BDL, BIML, MDL, GRSI, GSL, HSL, मिधानी और आयुध निर्माण ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। तो वहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां लॉकहीड मार्टिन, अमेरिका की बोइंग, स्वीडन की साब, एयरबस, फ्रांस की रफेल, रूस की यूनाइटेड शिप बिल्डिंग, ब्रिटेन की BAE सिस्टम, इसराइल की सिबिट, फिनलैंड की वेट्सला और जर्मनी के होल एंड स्वार्ट्स ने यहां अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल लगाए हैं। मोदी राज में भारत की छुपी हुई प्रतिभा सामने आई है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। बढ़ती हुई जनसंख्या जो चीन की सबसे बड़ी परेशानी है, लेकिन भारत ने इस समस्या का सही इस्तेमाल किया है। भारत एक बाजार के रूप में उभर रहा है। दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा और हथियार बनाने के बाद अमेरिका, रूस, जापान, वियतनाम जैसे देशों को बेचने से भारत का भी शक्तिशाली देशों में नाम होगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आगे ऐसी ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।